ये बातें जो है नील को पसंद नहीं है, पर नील जब बता रहा था तब विकी ये चीजें समझ नहीं रहा था। वहीं पर मुनव्वर ने जो है सही का साथ दिया, नील का साथ दिया। नील बहुत ही काम डाउन होके बहुत ही क्लियर जो है बात कर रहा है। विकी का कहना ये है कि मैं जब भी नील आपके पास आता हूँ बात करने के लिए, बहुत सारे बैरियर जो है वो आपने लगा दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बैरियर को हटाऊँ, मैं उस बैरियर को हटाऊँ, मैं ये बात करूँ, मैं वो बात करूँ या नहीं करूँ, तो ना मुझसे बात ही नहीं हो पाती है। हम लोग एक एक सल्यूशन पे, एक बात पे पहुँच नहीं पाते हैं। तो नील बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सब मेहनत की है, मैंने जो भी किया है अपने आप किया है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी, मतलब कि बंदा जो है अपने ओपिनियन मेरे ऊपर थोपे। और जब आपके साथ दोस्ती, मतलब कि ऐसे सब चीज़ें हुआ तो मुनव्वर ने वहाँ से निकाला, तो मतलब विक्की भाई ये है कि आप ग्रांटेड ले लेते हो। जहाँ पर नील का भी कहना ये है कि हाँ भाई, वो ग्रांटेड लेने लग जाता है, वो मैनिपुलेट करने लग जाता है, जो कि उसको चीज़ें सही नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। इसीलिए यहाँ पर किसी को भी अपना पॉइंट बोलना हो तो आराम से नहीं, बहुत ही ज्यादा लाउड होके बोलना पड़ता है। और ये घर ऐसा ही है, और वो ऐसा नहीं है, वो भी ये सब चीज़ें चाहता था कि जैसे नॉर्मल लोग घर के बाहर बात करते हैं, कॉफ़ी डे में बात करते हैं, रेस्टोरेंट में बात करते हैं, तो यहाँ पर भी हमारी एक नई तरीके से शुरुआत हो। पर वो शुरुआत हो नहीं पाई। तो मुनव्वर ने बोला कि विकी भैया, आपकी तरफ से भी तो ऐसी चीज़ें आई होंगी ना, तभी तो इस बंदे को लग रहा है कि हाँ भाई ये बैरियर है। तो इन्होंने बैरियर अगर दिया है तो वहाँ से भी वैसी वाइब्स आ रही हैं। जहाँ पर नील के साथ साथ देते हुए नजर आए मुनव्वर फारूकी, अभी आप बताइए कि भाई साथ जो दिया है मुनव्वर ने, वो सही स्टैंड लिया है या गलत स्टैंड लिया है? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। एक बात बोलना चाहूँगी, मुनव्वर वैसे कभी गलत होता ही नहीं है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।